Hello, once again we are going to see the another topic, that is what incident investigation and analysis. So how to investigate the incidents after happening. Okay, so this is totally depend on whatever it has happened. Okay, so after that we are going to see this one. Okay, investigation and analysis. So after the event has been happened, injuries or accidents, injuries, okay, then so property loss, okay, like this many things may happen in an incident or accident. Okay, so how we can measure this one? That incident may be negligence also. Sometimes it is not an accident. Okay, if it is not accident, it may be a violation of rule, of safety rules. Okay, on or improper act, improper act, और कभी कभी इंसिडेंट्स होते होते बचा हुआ है ना, मतलब वो इंसिडेंट्स होने वाला रहता है लेकिन वो किसी वक्त की वजह से और किसी की अवेयरनेस की वजह से बच जाता है ना. ऑकरेंस अबाउट टू हैपन द इवेंट, है ना, उसकी वजह से हम लोग कुछ चीज़ें होती है कि इंसिडेंट्स होते होते बचा हुआ है ना. सो ऐसे भी चीज़ें होती है, वो सभी इंसिडेंट्स को हमको किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस करना है वो हम लोगों को देखना है. एज अ सेफ्टी स्टैंडर्ड इंजीनियर वी नीड टू सी, और एज अ मैनेजर वी हैव दैट राइट्स टू इन्वेस्टिगेट और एनालाइज दैट थिंग्स. ओके, so we need to see this all things, overview, preparation and responses, then investigation, analysis and follow, then we will see summary. Okay, so first of all we will still see these accidents. Okay, sometimes we will see the investigation and proper action on the past event. Okay, proper investigation past events, past incidents, proper investigation and action on past incidents will minimize the same events which will be occurred in future. Okay, so proper investigation अगर रहा है ना and timely action है ना, तो अगर आगे होने वाला event जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको eliminate कर सकते हैं, उसको avoid कर सकते हैं और उसको मिनिमाइज कर सकते बहुत सारे इवेंट्स, है ना. सो वी कैन सेव लाइव्स एंड मनी बाय इन्वेस्टिगेटिंग. इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी एंड लाइव्स भी हम लोग सेव कर सकते हैं, बराबर है. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इवन माइनर इंसिडेंट्स और नियर मिस, जो हम लोग अभी बोल रहे थे नियर मिस, है ना, जो भी कुछ बड़ा इवेंट होते होते बच गए, नियर मिस जो बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. अगर नियर मिस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर दिए तो आगे तो बड़ा एक्सीडेंट होने ही वाला है, ऐसा समझो, है ना. सो नियर मिस कैन बी अ वार्निंग ऑफ मेजर रिस्क, बराबर है. अगर नियर मिस हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस किए, सो दैट इज द वार्निंग फॉर योर मेजर रिस्क. ओके, वो नियर मिस को हम लोग अगर इग्नोर कर दिए तो ये मेजर रिस्क हमारा बढ़ जाता है. नियर मिस को अगर हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, लोअर इम्पोर्टेंस दिया, तो
मेजर रिस्क हमारा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। देन इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स इन ऑर्डर टू, किस लिए, पिन पॉइंट द रूट कॉजेस। अगर कोई भी चीज़ अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसका बेसिक रीजन क्या है, बेसिक कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको पिन पॉइंट करने के लिए उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड इन्वेस्टिगेट करके रख देते हैं क्या, नहीं, तो उसको एड्रेस भी करते हैं। वो एड्रेस किस तरीके से करते हैं, अंडरलाइंग इश्यूज अलाउज टू प्रिवेंट सिमिलर एक्सीडेंट्स इन रिकरिंग। ओके, सो आगे वैसे सिमिलर एक्सीडेंट कभी नहीं होने चाहिए, इसलिए हम लोग स्टेप्स लेते हैं और उसके ऊपर कुछ एक्शंस भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट द रीजन वी आर गोइंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एन इंसिडेंस, व्हाट इज नियर मिस, व्हाट इज डायरेक्ट कॉज एंड रूट कॉज, ये भी चीज हमको समझनी है। What is incidence? It may be referred to as an accident or an incident. It is an event that cause injury, death to the people or damage to the property. ये तीन चीज़ें हैं, हम लोग accident बोल सकते हैं उसको और incidents भी बोल सकते हैं। ओके, incident. सो इस पे क्या हो सकता है कि दैट मे कॉज एनी इंजुरी, दैट मे कॉज डेथ ऑल्सो, और दैट मे कॉज ए प्रॉपर्टी लॉस, दैट मे कॉज लॉस टू प्रॉपर्टी। ओके, ये तीन चीज हो सकती है एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट की वजह से, है ना। और ये इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस विल हैपन। ओके, ये अगर नहीं भी हुआ तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि होते होते बच गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियर मिस, है ना। नियर मिस इज एन इवेंट दैट ऑलमोस्ट रिजल्ट्स इन इंजुरी, डेथ और डैमेज। नियर मिस, नियर मिस, ठीक है। नियर मिस क्या है कि ऑलमोस्ट वहाँ पे डेथ होने वाली थी, ऑलमोस्ट वहाँ पे इंजरी होने वाली थी, ऑलमोस्ट वहाँ पे डैमेज होने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से या फिर किसी और आदमी की वजह से वो इवेंट टल गया, है ना। नियर मिस इज अ वार्निंग साइन, इट इज क्या है, ये क्या है, दैट इज अ वार्निंग साइन, व्हाट यू कैन कॉल इट एज वार्निंग साइन। किस लिए है कि आगे वाले इवेंट जो है हमारे, वो इवेंट्स के लिए वार्निंग साइन हमारा हो सकता है। नियर मिस इज द वार्निंग साइन फॉर अकरेंस ऑफ बिग एक्सीडेंट्स, दैट इंसिडेंट इज लाइकली टू अकर, सो नियर मिस शुड नॉट बी, शुड बी ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड। सो नियर मिस जो है ये, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स, व्हाट यू कैन कॉल इट एज, बट इट इज जस्ट लाइकली टू अकर, है ना। वो अगर होता तो बहुत बड़ा वहाँ पे लॉस हो जाता है, है ना। तो नियर मिस को हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, डोंट इग्नोर दिस और अवॉइड दिस, है ना। इसके बाद है डायरेक्ट कॉज, है ना, जो हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट कॉज क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट कॉज ओके, डायरेक्ट कॉज में क्या है, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस रीजन दैट एन इंसिडेंट ऑकर व्हेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट्स आर कंसिडर्ड। ओके, सो जब भी है डायरेक्ट कॉज हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी गलती की वजह से ये इवेंट हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, ये डायरेक्ट कॉज है, ये पर्सन है, इसकी वजह से हुआ। लेकिन हमको पता है डायरेक्ट कॉज क्या है, नहीं ये किसकी वजह से हुआ, इसके निग्लिजेंस की वजह से हुआ, या फिर हमारे की वजह से नहीं, ये पुअर हाउसकीपिंग की वजह से इंसिडेंट हुआ, या फिर हमको पता है कि ये किसकी वजह से, मतलब सडन ब्रेकेज हुआ इसकी वजह से ये हुआ, या फिर रेगुलर चेकअप नहीं हुआ इसकी वजह से वो इंसिडेंट हो गया, है ना।
तो ये हमको डायरेक्ट कॉज पता है, जैसे कि हम लोग अगर प्लेन क्रैश हुआ तो क्यों क्यों हुआ, बैड वेदर की वजह से, हमको डायरेक्ट कॉज पता है ना। लेकिन रूट कॉज क्या होता है, डायरेक्ट कॉज यानी क्या है, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। हम लोग बोलते हैं कि ये पर्सन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसका रूट कॉज कोई और भी हो सकता है ना, किसी का मतलब दूसरे किसी की वजह से वो कुछ एक हिडन चीज हो गई होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि ये इनके ऊपर आ गया है, ठीक है। द रूट कॉज वी नीड टू फाइंड रूट कॉज क्या है, दिस इज द फैक्टर दैट अंडरलाइंस अदर कंट्रीब्यूटिंग कॉजेस, इट कुड इलिमिनेट रिकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम इफ इट इज एड्रेस्ड, ओके। सो इलिमिनेट रिकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम इफ इट इज एड्रेस्ड, ओके। सो कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास तो उसको इन्वेस्टिगेट, डीप इन्वेस्टिगेशन उसको बोलते हैं, है ना, वो करके डीप इन्वेस्टिगेशन करके हम रूट कॉज, है ना, मतलब मेन कॉज कहाँ पे रह गया, मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड में कहीं पे भी चूक हो गई, या फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कहीं पे बाईपास कर दिया, या फिर मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे फैसिलिटी नहीं दी, या फिर उसको टूल्स अवेलेबल नहीं हुए, या फिर सुपरवाइजर ने कुछ गलत इंस्ट्रक्शंस दी, है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हम लोग किसको पकड़ रहे, जिसकी वजह से हुआ उसको पकड़ रहे, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन किसने दिया, उसके सुपरवाइजर ने दिया, उस सुपरवाइजर को पता नहीं था फिर भी उसने उसको काम करने लिए, और वो इन इनएडिक्वेट पर्सन था, या फिर उसको स्किल नहीं थे फिर भी मैनेजर ने उसको काम पे लगा दिया था, वो भी एक रूज हो सकता है। दैट शुड बी सीन दिस रूट कॉज एंड इट कुड बी इलिमिनेट रिकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम इफ इट इज एड्रेस्ड। अगर ये चीज़ हम लोगों ने एड्रेस की, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट की, तो ये प्रॉब्लम फिर से होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बराबर है। देन रिस्पॉन्ड, इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज, ओके। कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह है, तो उसको रिस्पॉन्ड, इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज करना है। द फॉलोइंग स्लाइड्स लुक एट द ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपरेशन फॉर द रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट, सम बेसिक कॉज और सम कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस मेथड। कभी कभी क्या होता है कि एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन करता है, तो कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि ये सब चीज़ें जो है हम देख लेंगे और उसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा लाइटली लेंगे और उसको थोड़ा सा रफा दफा कर देंगे। या अगर ऐसा आपका एटीट्यूड है तो कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन वी शुड रिस्पॉन्ड वेरी पॉजिटिवली टू द इंसिडेंट्स, मतलब इंसिडेंट्स किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर कैसे इन्वेस्टिगेट हुआ, उसके ऊपर डिपेंड है कि आगे वाला इंसिडेंट्स होगा या नहीं होगा। और सब बेसिक कॉजेस हम लोग अगर उसको इन्वेस्टिगेटर को हम लोग बता ही नहीं रहे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, अगर वो हम लोग बताएंगे नहीं तो क्या होगा कि ये सब चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एनालिसिस और एनालाइजिंग इंसिडेंट्स, ओके। सो बेनिफिट्स क्या है इंसिडेंट्स एनालाइज करने की वजह से, आइडेंटिफाई अनसेफ कंडीशंस एंड बिहेवियर्स, कुछ कुछ लोग अनसेफ कंडीशन ला रहे और अनसेफ बिहेवियर है उनका, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते ये जो है उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं और इवेंट्स वो अवॉइड कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई नीडेड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, अगर ऑर्गेनाइजेशनल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है सेफ्टी स्टैंडर्ड में, या फिर कई प्रॉब्लम ऐसा है कि सेफ्टी डिवाइसेस सबको नहीं मिल रहे, तो वो चेंजेस ये इन्वेस्टिगेशन कमिटी जो है उनको एनफोर्स करेगी। देन प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दे सकते हैं हम लोग, है ना, फीडबैक की वजह से भी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा हेल्प होगा। देन रिइंफोर्सिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब
कंपलसरी करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है तो कंपलसरी करना है, ये हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। देन रिड्यूसिंग फ्यूचर इंसिडेंट्स, और इसकी वजह से फ्यूचर इंसिडेंट्स हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और प्रायोरिटाइजिंग जो है ऑफ सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ एवरी वन इन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से सभी का वेल बींग अच्छा हो जाएगा। मतलब सभी को वो चीज़ अच्छी हो जाएगी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है और बहुत सारे इवेंट्स जो होने वाले हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर। वट एवर द थिंग्स वी आर विच आर रिमेनिंग दैट वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।